बैठो। हाँ जी हाँ बार बार आ जाओ यहाँ आ जाओ। सर कैसे क्या बात हुई थी जब सुबह जो संत के लिए गाड़ी जा रही थी और सरकारी बस के ड्राइवर को घसीटते हुए खानसर चौक तक लेकर के जाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में ये मामला आया है कि हमारी बस संख्या 6844 काउंटर पर लगी हुई थी असन जाने के लिए और एक बिना समय जाने वाली गाड़ी बस स्टैंड पे आ गई थी 4609। तो उनके चालक परिचालकों को जब हमारे चालक परिचालकों ने रोका तो उनके साथ गाड़ी गलौच किया, मार पिटाई की और उनकी वर्दी फाड़ के उसको घसीटते हुए वो आगे ले गए थी। जो मारने वाला है, जो जिन्होंने चोटी किया है ड्राइवर को, कहाँ से है वो? प्राइवेट बस के चालक हैं जी, ये सफेदों से ही हैं शायद। सफेदों से ही हैं। सर आपके साथ ये वारदात हुई है? हाँ जी। क्या पूरी मामला, पूरी बात बताइए, पूरी बात थी क्या? हमारी गाड़ी काउंटर पे लगी हुई थी, हमारा टाइम था सफेदों से असन जाने के लिए और वो प्राइवेट गाड़ी आई और उन्होंने हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी और हमारी सवारी उतारने की उतार ली उन्होंने गाड़ी से। तो हमने उसको कहा कि भाई आप, हमारा टाइम है, हम गाड़ी लगी हुई हमारी, आपका टाइम नहीं, हम जाएंगे काउंटर टाइम के अनुसार। तो उन्होंने बदतमीजी की, गाड़ी गलौच किया और मतलब जान से मारने की कोशिश करी। आप घसीटते हुए आप मेरे यहाँ चोटें भी आई हैं हाथ पे और हाथ पर भी चोटें आई हैं। तो आपको घसीटते हुए कहाँ तक लेकर के गया सर? मेरे को वहाँ खानसर चौक पे मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी को रोको, तो उन्होंने रोका नहीं और उन्होंने ये बोला कि अब तो ये खानसर चौक पे ही रुकेगी गाड़ी, वहीं देखेंगे तेरे साथ क्या करना क्या नहीं करना है। तो अभी आपने इसकी शिकायत थाना को दे दी है? हाँ जी। सर साहब जिस प्रकार से प्राइवेट बस चालकों की मनमानी है, सरकारी बस वालों को मारने पर तो उतारू हो जाते हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कई ऑपरेटर हैं जी जो बिना समय के गाड़ी चला रहे हैं और उन पे भी हम उनको निर्देश भी दे रहे हैं भाई जिनका जो काउंटर टाइम बनता है अपने काउंटर टाइम के हिसाब से गाड़ी चलाओ, ये है। तो कोई मारपीट आई इसके अलावा कोई और भी बात हुई है? ना, ये मामला आज ही संज्ञान में आया है, उससे पहले इस तरह का कोई मामला नहीं मिला जी अभी तक कोई से ना। अभी इसे शिकायत आपने दे दी है? हाँ, शिकायत चालक महोदय द्वारा लिख के थाने में दर्ज करवा दी गई। क्या नाम है जो चालक है जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है, इसको घसीटते हुए खानसर चौक तक इसको लेकर के जाया गया है? उनका नाम पता करने पे योगेश नाम मालूम हुआ है जी, योगेश कुमार है, खानसर मोड़ कॉलोनी के आसपास। आगामी जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से? आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे दी है चालक द्वारा, हमारे चालक द्वारा, तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो होगी नियमानुसार। और हमारे साथ एक कनेक्टर मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है। सर क्या कुछ कहना चाहोगे आज की जो घटना हुई है? सर आज की घटना, हम वहीं बस स्टैंड पर खड़े थे, हमने देखा कि एक प्राइवेट बस के पीछे हमारा कनेक्टर कप्तान सिंह है वो भागता हुआ दिखाई दिया। हमने मामला पता करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि हमारे एक साथी को, ड्राइवर को, जो असन जाने के लिए तैयार थी गाड़ी, उसकी सवारी उतारी गई। उन्होंने कहा कि आप सवारी बैठा ली, आप यहाँ से चलो भाई। तो उन्होंने उनके साथ गाड़ी गलौच करने की कोशिश करी तो उन्होंने बस की खिड़की खोलने, प्राइवेट खोल कर ये पूछने के लिए खोल ली कि भाई क्या बात है, क्यों गाड़ी क्यों देर, आप जाते क्यों नहीं। तो उन्होंने उसका गला पकड़कर खानसर चौक तक उसको पकड़ के ले जाया गया। उस गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है जो खिड़की साइड का है, उन्होंने उसे रुकवाने की कोशिश करी, उसका गला दबाया है। कहां से कहां तक उसको? सभी तो बस स्टैंड से खानसर चौक तक ले जाया गया है। जो ड्राइवर है वो बस को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं? असन जा रहे थे सर, सफेदों से पानीपत से आई थी वो बस और असन जा रही थी। असन जा रही थी। तो आगामी कार्रवाई हम यही चाहते हैं कि परिवहन मंत्री तक ये बात पहुंचे आपके माध्यम से कि अब हमारे चालक परिचालकों की उस सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जो हम ये अनहोनी घटना ना हो। बाय द वे अगर उस खिड़की से इसको छोड़ देता, चलती गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता, इसके भविष्य या बच्चे तो आगे के लिए वो हो जाते, अनाथ हो जाते। तो बिल्कुल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। जिस प्रकार से एक ड्राइवर के साथ, सरकारी बस के ड्राइवर के साथ प्राइवेट बस के चालक ने मारपीट की है, उसको घसीटते हुए सफेदों के बस स्टैंड से और खानसर चौक तक उसको लेकर के जाया जाता है, उसी दौरान सफेदों के जो इंचार्ज हैं वो अपने
दल बल के साथ अपने कनेक्टरों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सफीदो थाना के अंदर उसकी एप्लीकेशन दे दी गई है। Thank you.